हेलो 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 पीपल्स, तो भाइयों और उनकी बहनों, हमारे टैग ग्रुप के ऊपर ना इन्फिनिक्स हॉट 12 के बारे में डिस्कशन चल रही थी और वहीं पे एक बंदे ने कहा कि इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 का क्या सीन है। तब जाके मेरे को याद आया कि हाँ भाई, ये फोन भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाला है। खैर, ये फोन पाकिस्तान के अंदर नेक्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा। और तो और, इस फोन का जो प्राइस मैंने प्रिडिक्ट किया ना, मैं 100% श्योर हूँ कि भाई यही प्राइस के साथ लॉन्च होने वाला है। भाई साहब, ये अपने बजट का सबसे सस्ता फोन है जो एक पंच होल कैमरे के साथ आता है और इसका डिस्प्ले भी फुल HD प्लस है, जो के इस बजट रेंज के अंदर तमाम कंपनी के औकात से बाहर चले जाते हैं। लेकिन हाँ, इस फोन के अंदर एक निहायत ही घटिया तरीन प्रोसेसर नहीं लगाया गया। मेरे को पता है तुम लोग क्या सोच रहे थे, इस फोन में यूनिसॉक का 610 प्रोसेसर लगाया गया है। इस प्रोसेसर के साथ तुम लोग गेमिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बाकी सारे काम कर सकते हो। समझ रहे हो आप? ये चिपसेट मीडियाटेक के हीलियो G35 से तो कम अज कम बेहतर है। और एक और खास बात, इस फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट लगाया गया है, लाइक मेरा फेवरेट। और ऊपर से भाई, इस बजट के अंदर इस फोन के अंदर टाइप सी वाली पोर्ट आपको देखने के लिए मिलती है इस बजट के अंदर। हाँ, लेकिन अभी रुको, इस फोन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे इस फोन के अंदर कोई जायरोस्कोप नहीं है। और तो और, ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आ रहा है। एंड्रॉइड 12 के साथ आ सकता था, लेकिन क्यों? और तो और, इस फोन के अंदर एक बेकार कैमरा लगाया गया है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, इस बजट के हिसाब से ठीक है, लेकिन 13 megapixel प्लस 2 megapixel का कैमरा बैक पे मिलेगा और फ्रंट पे आपको 8 megapixel की सेल्फी देखने के लिए मिलेगी। और तो और, इस फोन के अंदर 4GB रैम है और 64GB की स्टोरेज है। भाई और क्या चाहिए तुम लोगों को? अब बारी है इसके प्राइस की, जिसके लिए मैंने तुम सबको इतना वेट करवाया। भाई ये फोन ना इंडिया में 9000 रुपये का लॉन्च हुआ है और इस मामले में इन्फिनिक्स पाकिस्तान बहुत अच्छी है, वो सस्ते में फोन लॉन्च करती है। तो मेरे हिसाब से PTA टैक्स वगैरह को लेके 22000 रुपये में ये फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रिडिक्शन है, तो भाई अगर गलत हो जाए तो कमेंट सेक्शन को गंदा ना करना। अभी के लिए सब्सक्राइब कर दो। पीस आउट।